Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 15 of tricks T20. आज की क्लास में हम सीखेंगे टू डिजिट के नंबर्स का क्यू फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक. चलिए शुरू करते हैं. सपोज करिए आपने किसी भी थ्री डिजिट के नंबर का क्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको बेसिक सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए. बेसिक्स क्या क्या है, एक तो आपको 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स का क्यूब ऑरली पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे 1 का क्यूब आपको पता होगा, 1 का क्यूब होता है 1 और 9 का क्यूब होता है 729. इसके बीच के नंबर्स का भी आपको क्यूब याद होना चाहिए. अब ध्यान रखना है कि इस ट्रिक के अंदर आप जिन भी डिजिट्स का क्यूब लिखोगे तो उसको थ्री डिजिट में लिखना है. जैसे 1 का क्यूब 1 होता है तो कहीं पे भी उसको लिखना पड़ेगा, तो आप उसको क्या लिखोगे, 001 लिखोगे, यानी थ्री डिजिट बना के लिखोगे. 2 का क्यूब 8 होता है तो उसको आप 008 लिखोगे. 3 का क्यूब 27 होता है तो आप उसको थ्री डिजिट बना करके लिखोगे, मतलब 027 लिखोगे. चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल के साथ. सपोज करिए आपने 32 का क्यूब फाइंड आउट करना है. सिंपल आपने करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो डिजिट्स हैं इनका क्यूब आपने साइड बाय साइड लिख देना है. 3 का क्यूब जो होता है वो लिख देना, ठीक है, जो लेफ्ट डिजिट है उसके क्यूब में जितने भी डिजिट्स हो उतने आपने लिख देने हैं. इसके आगे जो डिजिट है उसका आपने हमेशा तीन डिजिट में लिखना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, उसको क्या लिखोगे आप, 008. ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, दोनों डिजिट्स का आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे नीचे क्यूब लिख दिया साइड बाय साइड. नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है 3 × 2 × 3, तो 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18. इसके नीचे लिखना है हमें एक बार मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है, सिंपल है. ये भी टू डिजिट को टू डिजिट से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक भी हमें आती है. अब ध्यान देना इनको मल्टीप्लाई करके आपने किस तरीके से लिखना है, इधर से एक डिजिट छोड़ के लिखना है, ठीक है. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं कर रहा हूं, अगर आपको नहीं आती तो आप ट्रेडिशनली कर सकते हैं या फिर मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं. देखिए इसको आप लिखोगे 8 × 2 = 16 का, 6 × 1 = 24, 25 × 27 का 7, 2 + 3 + 2 = 5. ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इसको आप क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे. इसको ऐड कर लीजिएगा 8, 6, 7, 2, 3, 3 × 2 = 7, 6, 8. ये आपका हो जाएगा 32 का क्यूब. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज करिए आपने 71 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 7 का क्यूब आप लिख देंगे 343, 1 का क्यूब होता है 1, उसको आप क्या लिखोगे, 001 लिख देंगे. इसके बाद में आपने क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई, 3 × 1 × 7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा. 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21. इसको मल्टीप्लाई करके इधर से एक डिजिट छोड़ के आपने लिखना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 × 1 = 1, 7 + 2 = 9 एंड 7 × 2 = 14. इसको ऐड कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका क्यूब हो जाएगा. चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज करिए आपने 95 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो देखिए आपने करना क्या है, 9 का क्यूब आप लिख दोगे 729, 5 का क्यूब थ्री डिजिट्स में लिख दोगे 125. इसके आगे क्या करना होता है, 5 × 3 = 15, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 135 होता है, क्या होगा, 135. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें टू डिजिट को थ्री डिजिट से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक भी आती है और हम एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे. देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, 5 × 5 = 25 का 5 carry 2, 45 + 15 = 60, 60 + 2 = 62. ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 कैरी हो जाएगा, 27 + 5 = 32, 32 + 6 = 38. ठीक है, कैरी 3, 9 बन गया 9 × 3 = 12. इसको आप क्या कर दोगे, एड ऑन कर दोगे, तो ये आपको हो जाएगा 5, 7, 3, 7, 5, 8. ये इसका क्यूब आ जाएगा. चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज करिए आपने 58 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो 5 का क्यूब आप ऑरली लिख दोगे क्या होता है, 125 होता है. 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है. ठीक है, इसके बाद में एक डिजिट छोड़ के क्या लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120. अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जीरो को तो आप इग्नोर कर ही दो, सीधा सीधा आप यहाँ लिख दो जीरो को, लास्ट में जीरो आना है. सिर्फ आपने 12 को 58 से मल्टीप्लाई करना है शॉर्ट ट्रिक के साथ. 2 × 8 = 16 का 6, 5 × 2 = 10, 8 = 18, 18 + 1 = 19. ठीक है, कैरी 1, 5 + 1 = 6. इसको एड ऑन कर देंगे 2, 1, 1, 5, 9, 1. ये इसका क्यूब
हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपने 93 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 9 का क्यूब होता है 729 एंड 3 का क्यूब होता है 27। ध्यान रखना इसको 3 डिजिट में लिखना है हमेशा, आपने 027 आप लिख दोगे। इसके बाद ये मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3 इज 9, 9 × 9 जाए 81। इसको मल्टीप्लाई करके और एक डिजिट छोड़ के लिखना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 1 = 3। इसके बाद 9 × 24 = 33 का 3 कैरी 3, 9 × 8 = 72 + 3 = 75। इसको आप एड ऑन करोगे 753408, ये इसका क्यूब हो जाएगा। आई होप कि आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर आपको ट्रिक समझ आ गई है तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने क्यूब फाइंड आउट करना है 81 का, 74 का, 65 का एंड 90 का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी